हेलो दोस्तों, आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके एक एक करके एक एक डिटेल के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित सिंह। देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, जो मतलब ये ग्रामर में क्या आते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में उसके 8 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट हम आज देखेंगे नाउन क्या होता है। एनी नेम इज़ अ नाउन। नाउन के क्या नाम होते हैं, जो एनी नेम किसी का भी नाम होता है। एनी नेम ऑफ नाउन इज कोई भी नाम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इस प्रकार से कितने हो गए, 5 हो गए। तो पहला देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, द नेम ऑफ अ पार्टिकल प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब किसी खास स्थान व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रायपुर सूरजपुर भोपाल, जो फेमस पर्सन हो गया राम सीता, और फेमस प्लेसेस हो गया ताजमहल, ये सबको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। दूसरा देखते हैं दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। नेम गिव टू पीपल प्लेस और थिंग और सेम काइंड्स ऑफ कार्ड इज अ कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु और स्थान को दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एग्जांपल कैसे क्या हो जाएगा, बॉयज गर्ल्स टीचर काउ टाउन बिल्डिंग रिवर, ये सब क्या आ जाएंगे कॉमन नाउन में। जैसे बॉय गर्ल, ये भी एक क्या आ जाते हैं कॉमन नाउन में। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक, मतलब एक झुंड में हो व्यक्तियों का समूह स्थान, तो ये सबको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। बहुत से व्यक्तियों स्थान वस्तुओं आदि को एक मानकर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे स्कूल क्लास सोसाइटी कंपनी पीपल, ये सब किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। और फिर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्या बोलते हैं दोस्तों, पदार्थ क्या आ जाएगा, जैसे गोल्ड सिल्वर स्टोन मार्बल वूल आयरन, ये सब क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। और फिर दोस्तों एक और बचता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाता है दोस्तों, द वर्ल्ड यूज टू डिनोट एन एक्शन। मतलब जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे फेयर लव एंगर स्पीड काइंडनेस हेल्थ, ठीक है दोस्तों, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। किसी क्रिया गुण या मानसिक अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों हमें ये तो हम पढ़ लिए नाउन होता क्या है, लेकिन नाउन बस केवल इतना ही ग्रामर में काम आता है कि इससे हम पहचान सकें कि किसको नाउन बोलते हैं, किसको प्रोनाउन बोलते हैं, किसको वर्ब,
किसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ये सब पहचानने का तरीका है। अगर हम इसको नहीं पहचानेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसके 8 टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन हो, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब 8 टाइप्स इनके होते हैं, जो धीरे धीरे करके हम देखेंगे। आज हमने पहला देखा नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन का अर्थ क्या होता है, संज्ञा। कोई भी नाम एक संज्ञा होती है, एनी नेम इज़ अ नाउन। नाउन के प्रकार भी दिए हुए हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्ति मतलब किसी का नाम, पर्सन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध हो रहा है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो एक पूरी जाति हैं, ना कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिला देंगे तो वो एक जाति नहीं होंगी, वो दूसरे नाउन में आ जाएंगे। तो ये हो गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक समूह में। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, टीचर, ये सब एक क्या हो गया, समूह में आ गए, ये एक क्लास हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कहीं मीटिंग करते हैं तो वो भी एक किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। मटेरियल नाउन, कोई भी पदार्थ हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब हम दिखा रहे हैं जो किसी के क्रिया, गुण या मानसिक अवस्था को व्यक्त करता है। कभी कोई गुस्सा हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, आज हमने केवल नाउन देखा, अगली क्लास में हम प्रोनाउन देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो डाउट्स के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम आगे कुछ देखेंगे।